हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई टी की क्लासेज में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस के अफरमेटिव सेंटेंसेस के बारे में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटीन्यूस क्या है कंटीन्यूस एक कैटेगरी है, है सेंटेंसेस की और मैंने सभी तरीके की कैटेगरी जैसे कि कंटिन्यूस परफेक्ट इनडेफिनेट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये चार कैटेगरी हैं इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं तो कंटिन्यूस जो होते हैं वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं तो वो सभी सेंटेंस या वो कार्य जो लगातार हो रहे हैं लेकिन उनका टाइम नहीं बताया गया है कि किस टाइम से हो रहे हैं या कितने बजे से हो रहे हैं वो सारे आपके काय में आते हैं कंटीन्यूस सेंटेंस में आते हैं तो जिस तरह मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वह कंप्यूटर सीख रहा था वह बातें कर रही है या छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया है कि आपका हम पास्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट की या फ्यूचर की यहाँ पर क्या आपको सबसे मेन आपको ये देखना है कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम चाहे वो हो रहा था हो रहा है या हो रहा होगा वो क्या होता है आपका कंटिन्यूस का होता है जिसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया होता लेकिन अगर यहीं आपको किसी भी काम में टाइम बता दिया जाता है जैसे वह दो घंटे से बातें कर रही है तो ये आपका कंटिन्यूस में नहीं आता ये आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूस में जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे तो अभी हम बात करते हैं कंटीन्यूस में पास्ट की ठीक है तो हम पास्ट के कंटीन्यूस के अफ़र्मेटिव सेंटेंस के बारे में आज बात करेंगे तो ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं तो ये हमारे जो भी सेंटेंस होते हैं सब पास्ट में होते हैं और पास्ट में किसी काम के होने की के बारे में बताया जाता है यानी कि वह काम पास्ट में हो रहा था जैसे कि बस अचानक रुक रही थी तो अब किसी भी सेंटेंस को अगर वो हिंदी का सेंटेंस है उसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो मेन हैं जो होनी चाहिए एक हिंदी के वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में कि किसी भी हिंदी के वर्ड को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं दूसरा आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है यानी इंग्लिश का कोई सा से भी सेंटेंस जैसे मैंने बोला पास्ट कंटीन्यूस के अफ़र्मेटिव तो पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं जैसे हमारे पास है बस तो बस को हम इंग्लिश में बस बोलते हैं अचानक को इंग्लिश में बोलते हैं सडनली रुकना मतलब स्टॉप और यहाँ पे हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो रहा रही रहे जो भी वर्ड यूज़ होगा उसके लिए हम क्या करते हैं आई एन जी यूज़ करते हैं और था थी जो है इसमें हम वाज औरवर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थी वाज़ ठीक है अब दूसरी चीज़ हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए तो पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम और उसमें हम लगा देते हैं आई एन जी क्योंकि कंटिन्यूस के सेंटेंसेज हैं और लास्ट में हम जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बस और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेकेंड नंबर पर वो है वास जो कि हिंदी में सबसे लास्ट में लिखी हुई है मेन वर्ब है हमारी यहाँ पर रुकना जो कि बीच में लिखी हुई है और रहा रही के लिए हम आई एन जी यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट जो कि हमारा बस के बाद लिखा हुआ है वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आएगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा बस इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा तो लास्ट में जो थी है उसको इंग्लिश में हम वास कहते हैं तो हमारे पास वाज आ जाएगा यहाँ पर और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये है हमारा स्टॉप और रहा रही के लिए हम इस फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टॉपिंग और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जोड़ना है जो कि बचा हमारा सडनली तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रॉपर जो सेंटेंस बन गया आता है बस वॉज स्टॉपिंग सडनली अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोट करनी है तो वो है हमारी क्या जब भी मेन वर्ब के अंत में दूसरे स्थान पर वोवेल आए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टॉप और स्टॉप में हमारा जो अंतिम अक्षर है वो है पी और अंतिम अक्षर से दूसरे स्थान पर है ओ यानी कि एक वोवेल है तो ऐसे जब भी होता है हमारे साथ कभी भी कोई हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में और जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंतिम वर्ड से दूसरे अक्षर जो दूसरा अक्षर होगा उसमें ए ई -E आई ओ यू इनमें से कोई एक लेटर होगा अक्षर होगा तब तो आप क्या करोगे जो अंतिम वाला स्थान है उस अक्षर को दो बार लिखोगे जैसे यहाँ पर पी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखेंगे बस वॉज स्टॉपिंग स्टॉप इस में हमने क्या करा पी को डबल कर दिया और उसके बाद आई एन जी लगाए बस वॉज स्टॉपिंग सडनली अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एच जो मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में उसको पूरा बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब ठीक है और हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहता है वाज और वर रहता है वाज जो लगता है हमारा था, था थी आ ई ए की मात्राओं के लिए लगता है यानी या फिर आई है या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लगता है हमारा वाज और वर लगता है हमारा थे या ए की मात्रा के साथ या प्लूरल कोई सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ क्या लगता है वर लगता है और एम का मतलब होता है मेन वर्ब यानी जो भी कार्य के बारे में बताया जा रहा है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब और उसकी हमारे पास क्या यूज़ होनी है मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है जैसे और हमारे पास एग्जाम्पल है जब मैं स्कूल जा रहा था वैन आई वॉज़ गोइंग टू स्कूल यहाँ पर हमारा जब के लिए हमने वैन यूज़ किया टाइम जो दिया जाता है वो मतलब इस तरह का उसे हम क्या कर देते हैं शुरू में या फिर लास्ट में यूज़ कर देते हैं और मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है इसे इंग्लिश में कहते हैं आई स्कूल जा रहा था स्कूल जाना जो हो गया हमारा स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जाना हो गया हमारा वर्क और यहाँ पे था के लिए हम वाज यूज़ करेंगे और आई के हिसाब से देखें तब भी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाज तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस बनता है वैन आई वाज गोइंग टू स्कूल नौ साल की एक सुंदर लड़की अंगूठी बेच रही थी अ नाइन ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल तो ये क्या हो गया हमारा एक नौ साल की सुंदर लड़की हमारा सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी वाज और इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ले ली बेचने की सेल और इसमें लगा दिया आई एन जी तो ये हो गया सेलिंग और क्या बेच रही थी ऑब्जेक्ट है हमारा अंगूठी सेलिंग द रिंग लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे द पीपल वर बाइंग देयर असेंशियल थिंग यहाँ पर जो है कई सारे लोगों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है हमने वर यूज़ किया है और असेंशियल थिंग मतलब ज़रूरत का थिंग मतलब सामान ठीक है कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे सम बॉयज़ वर प्लेइंग अंडर द ट्री सम बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि लड़के हैं कई सारे एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ हो रहा है और प्ले जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया उसमें आईएनजी लगा दिया हमने ये हो प्लेइंग अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे अंडर किसी चीज़ के नीचे जैसे कि पेड़ के नीचे छत के नीचे बिस्तर के नीचे पलंग के नीचे टेबल के नीचे ऐसी जो चीज़ें किसी चीज़ के नीचे अगर कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अंडर का यूज़ करते हैं इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे ठीक है तो एक छोटा बंदर कार चला रहा था इसके लिए एक छोटा बंदर जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया तो अ लिटिल मंकी ये हमने सब्जेक्ट में ले लिया है वाज़ हमारा क्योंकि एक की बात हो रही है तो वाज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया ड्राइव जो है चलाने को कहते हैं गाड़ी वगैरह चलाने को ड्राइव कहते हैं उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया हमारी ड्राइविंग वो तो क्या चला रहा है ऑब्जेक्ट है हमारा कार तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो गया अ लिटिल मंकी वॉज ड्राइविंग द कार सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोनू निगम और क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है तो यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिया है वो सिंगुलर वाली लेंगे यानी वाज तो सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज मोर जंगल में नाच रहा था द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट फ्रेंड्स जो जंगल होता है उसको हम इंग्लिश में जंगल भी बोलते हैं और फॉरेस्ट भी बोलते हैं तो आप सेंटेंस में द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट और इन द जंगल दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपका सेंटेंस सही रहेगा ठीक है अभी ये जो भी मैंने आपको बताया है इन्हीं के बिहाव पे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कुछ एक्सरसाइज के लिए तो यहाँ पर आपको मैंने क्या दिया है कुछ दस आपको एक्सरसाइज़ दिए हैं और साथ में इनकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उनमें जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर दी हैं और साथ में कलर भी करके दिया है ताकि आप इजीली समझ जाएं कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है और नंबर वाइज दिया है तो आप इन सभी को ट्राई करें और कोशिश करें अगर आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि आपने इनका सेंटेंस कैसे बनाया है इंग्लिश में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अलविदा दोस्तों